हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं YKC 11926 का आपको रिव्यू दूंगा। आज मैं आपको उसी का रिव्यू दे रहा हूँ, YKC 11926 वन स्टार। ये देखिए, इसका रैपर है, मैं निकालता हूँ रैपर इसका। ये देखिए, ये और ये इसकी लटाई है। देखिए, ये YKC 11926 का ये लोगो है। और ये देखिए, YKC 11926 इसमें लिखा है। और ये इनका स्टिकर, ये इनकी साइन है, ओरिजिनल साइन है। ये मंजा और बिल्कुल ओरिजिनल जेन्यून है। और मैं जितनी भी चरखी लेता हूँ, मैक्सिमम ब्लैक ही लेता हूँ। मुझे ब्लैक कलर की चरखी ज़्यादा सही लगती है मुझे। और मैं रिव्यू देने से पहले एक बात ये बता देता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है, ये पतंग मंजे से रिलेटेड वीडियो बनाता है, और इसमें खास करके मंजे का रिव्यू दिया जाता है। और ये मेरा एक नया चैनल है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मंजे के रिव्यू रहते हैं, मैं इसमें किसी भी मंजे को प्रमोट नहीं करता। मैं बस बताता हूँ कि कौन सा मंजा अच्छा है, आपको कौन सा मंजा लेना चाहिए, किस रेंज में क्या अच्छा है। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि मंजे के बारे में बताता हूँ, कि इसमें कमी बताता हूँ, उसकी अच्छाई बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस मंजे का रिव्यू। रिव्यूज़ पहले बात करते हैं कि YKC, लोग कहते हैं कि YKC जो जो मंजे में जो स्मूथनेस के साथ शार्पनेस, मतलब कि धार के साथ चिकनापन जो देता है, वो कोई आजकल कोई भी कारीगर नहीं दे पाएगा। लेकिन बहुत कम ही आजकल ऐसे कारीगर है जो ये काम कर पाएंगे, जो जो YKC करता है, स्मूथनेस के साथ साथ शार्पनेस दे पाए। क्योंकि जो मंजे में जितना में मंजा वही अच्छा होता है, जिसमें क्या होती है, स्मूथनेस के साथ शार्पनेस होती है। मतलब अगर आप मंजे को छुए ना, तो धार भी महसूस हो और एकदम चिकनापन महसूस हो, तभी उस मंजे को फंसा के लड़ाने में अच्छा रहता है, तभी उस मंजे को फंसा के लड़ाया जाता है। ऐसे बहुत कम ही कारीगर हैं जैसे कि जो इनके टक्कर का मंजा देते हैं। जैसे मैं एक आग दो लोग का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि इद्रीस हो गए, यूनिस इकबाल हो गए, हमारे अदनान भाई हो गए। मैं अदनान भाई बहुत अच्छा मंजा लगाते हैं। और अदनान भाई का नाम मैं इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी इनका रेट ना काफ़ी जेन्यून रेट है, और काफ़ी जेन्यून रेट में मतलब काफ़ी अच्छा मंजा लगाते हैं और लोग कंपेयर करें तो। आइए बात करते हैं इस मंजे के और खासियत के बारे में। ये YKC का 11926 है। ये 1-2-3 की डोर पर बना मंजा है। ये 1-2-3 की डोर बना मंजा, यानी कि ये 6 तार का मंजा है, यानी 6 कॉर्ड का मंजा है। वर्धमान 1-2-3 भी बना है। मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ खोल के। मैं थोड़ा खोलता हूँ उसको, आपको दिखाता हूँ खोल के, मैं दिखाता हूँ खोल के उसको। देखिए, खोला मंजा। देखिए, इस मंजे से मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है, और एक रील इसमें से ख़त्म भी हो चुकी है इस मंजे में से। देखिए इसका मंजा, देख रहे हैं, ये देखिए, YKC का 926 इनका सबसे महंगा ब्लॉक आता है, यानी सबसे महंगा आर्टिकल आता है। ये 1-2-3 के दूर पे मंजा है। इस मंजे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इस मंजे से अगर पतंग उड़ाते हैं ना, तो उड़ाते हैं, अगर आप 10-12 पतंग काटते हैं, 15 पतंग काटेंगे भी ना, तो आपका पतंग टूट के जाता नहीं। और मैंने ये देखा कि तेज़ हवा में भी इनका पतंग टूट के नहीं जाता। मतलब कि अगर आप 15 से 16 17 की स्पिन पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो टूट के जाता है। क्योंकि जब मैं घाट पे जाता हूँ तो इनका मंजा यूज़ करता हूँ, घाट पे हवा बहुत तेज़ रहती है, लेकिन इनका मंजा टूट पे बिल्कुल नहीं जाता इनका मंजा। और इनका मंजा देखिए कितना कितना पतला मंजा है। जितना मंजा पतला होता है, उतना मंजा अच्छा होता है। और इतने इसमें इसमें स्मूथनेस इतना अच्छा ना, जो फंसा के लगाओ, खींच के लगाओ, कैसे भी लगाओ इस मंजे में। ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ, देखिए फोकस होगा, देखिए ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, देख रहे हैं कितना कितना शॉर्प मंजा है इनका, और स्मूथनेस है मंजे में। अगर बात करें इनके मंजे में कमी के बारे में, तो इनके मंजे में कोई भी कमी नहीं मेरे हिसाब से। बस एक कमी ये है कि इनका रेट काफ़ी ज़्यादा है मंजे 926 का। अगर आप 926 अगर एक चरखी आप लेंगे, तो आपको 12 रील की करीब एक चरखी आपको करीब 3200 तक पड़ेगी, 3200, 3300 या 3000 तक पड़ेगी। ये मतलब बरेली में अगर आप लेंगे, बरेली का प्राइस है 3200 या 3000 यहाँ बरेली की प्राइस है। और दूसरे सिटी में लेंगे तो और काफ़ी महंगी महंगी पड़ जाती है। कई कई जगह तो 4-4 हज़ार की बिकती है, बिकती है इनकी चरखी। हमने इसके पहले एक मांझे का रिव्यू बनाया था, लियाकत बेग LB9 नाम से बनाया था। दोनों में अगर मैं अगर कंपेयर कर दिखाऊं, तो देखिए एक मिनट, मैं ये चरखी लाता हूँ। ये देखिए, ये और ये देखिए, इस दोनों में अंतर देखिएगा आप, देखिएगा देखिए,
मोटा इसमें से LB9 ज़्यादा मोटा है। बस LB9 वाले में लायकत बैग में एक कमी ये है कि इसमें बस धार बहुत ज़्यादा, लेकिन स्मूथ नहीं, फंसा के लगाने लायक मंजा नहीं है, बस खींच के लगाने लायक मंजा है। लेकिन ये मंजा है फंसा के जैसे थे वैसे लाइए ये मंजा। और इनका कंपेयर करते हैं अदनान भाई की क्वालिटी से। अदनान भाई की सबसे टॉप क्वालिटी, जो कि मैं लाता हूँ उसको दिखाता हूँ, अदनान भाई की टॉप क्वालिटी ये रहा, अदनान भाई की टॉप क्वालिटी ये मंजा, इतना बेहतरीन मंजा है। एक सेकेंड मैं ये देखिए अदनान भाई की टॉप क्वालिटी है। ये भी ब्लैक कलर की डोर है। ये क्या है, डबल डबल दूल्हा लच्छी पे बना हुआ डोर है, सुपर लच्छी है ये। अगर दोनों मंजा बेस्ट है, दोनों मंजा मतलब एक से बढ़कर एक है, दोनों मंजा बेस्ट है। अगर दोनों में से हमें अगर YKC हो, इस दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो दोनों बेस्ट है, दोनों अपनी जगह बढ़िया मंजा है। इसमें तो कोई ये नहीं कह सकता कि कोई कौन अच्छा कौन बेकार, दोनों बढ़िया मंजा है। दोनों में दोनों स्मूथ इतनी अच्छी है और धार भी दोनों बहुत अच्छी मंजी है, क्योंकि अदनान भाई मंजा बहुत अच्छा लगाते हैं। और ये अदनान में थोड़ा कॉस्टली मंजा भी है। ये भी 1-2-3 के दौर मंजा है, ये भी 1-2-3 के दौर मंजा है मंजा है। और बात करें YKC उस्ताद की, तो यासीन खान और छुटका ये रफ्फन उस्ताद हैं, जो जो मतलब ख़ानदानी मंजा मेकर है। मतलब इन्हीं से ही, इनके ही परिवार से ही, इनके परदादा ने ही शायद मंजा का स्टार्टिंग किया था। और इनके रफ्फन उस्ताद जो है, इनके पापा का नाम अली मोहम्मद था। यही मतलब मेन मतलब सबसे मंजा की स्टार्टिंग यही किए थे। मतलब इनके जो जो परदादा था, जिनका नाम शायद नूरी मियाँ नाम था, नन्ने मियाँ नाम था, इनने स्टार्टिंग किया था। ये रफ्फन उस्ताद है, ये इनके लड़के ताजीम खान हैं। और इनका इनकी प्राइस की बात करें तो YKC 926 का प्राइस तो काफ़ी हाई है, करीब 3200, 3000, 3200 करीब इसका प्राइस है। और YKC पांच क्वालिटी लगाता है, मतलब 1-2-3 की डोर में पांच क्वालिटी लगाता है। सबसे उनका एक है 3 स्टार लगाता है, जिसका ये प्राइस इनका बरेली का प्राइस है, और ये प्राइस घर भी बढ़ सकता है। एक 3 स्टार लगाता है जिसका प्राइस 1450 है, एक 920 लगाता है जिसका प्राइस 1650 है, एक 11920 लगाता है, 11920 1 स्टार जिसका प्राइस 1950 है, और एक 11925 1 स्टार जिसका प्राइस 2250 है। और लास्ट में है ये आपका YKC 9296 11926 जिसका प्राइस करीब 3100 से 3200 करीब इसका प्राइस है। और मैं आप और YKC पांडा भी लगा देंगे, पांडा ग्रेड काफ़ी महंगा है इनका, पांडा ग्रेड YKC का अगर 3 स्टार 1 रील 1 रील अगर पांडा लेंगे 3 स्टार का, तो 300 पड़ेगा। और 920 400 पड़ेगा, 11920 500 पड़ेगा, 11925 600 पड़ेगा, 11926 700 पड़ेगा। और पांडा 12000 में लेंगे तो 3 स्टार पड़ेगा 350, मतलब 50% ज़्यादा बढ़ जाएगा। और C28 अगर लेंगे 6000 में, C28 तो पर रील 400 पड़ेगा। लेकिन प्राइस इनका YKC का, मैं जब जेन्यून बता रहा हूँ, इनका प्राइस लेकिन काफ़ी हाई है। लेकिन ये है कि जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। और जो YKC 926 में, ये एक बात बताना चाहता हूँ, जो कांच यूज हुआ है, कांच शीशा यूज हुआ है, वो सैम्पेन का शीशा यूज होता है, सैम्पेन ग्लास यूज होता है। इतना स्मूथनेस मंजा इसमें है। और इसमें मतलब जैसे और भी, जैसे मैंने लायकत बैग का मंजा, उसमें आप जैसे निकालेंगे, जैसे 1-2 मीटर मंजा निकालेंगे ना, तो उसमें क्या ना कि मतलब इतना ज़्यादा सफाई नहीं इसमें, मतलब इतना ज़्यादा सफाई तो स्मूथनेस, कहीं मतलब ये नहीं कि कड़ापन है या कहीं ढीलापन है, इसमें ये नहीं है। और यही चीज़ अदनान भाई में भी, अदनान भाई जो मटेरियल यूज़ करते हैं एकदम बेहतरीन मटेरियल यूज़ करते हैं, इतना बढ़िया मटेरियल यूज़ करते हैं कि मैं मतलब 1 मीटर दूर भी मंजा रखूँ तब भी मटेरियल महकता है, इतना अच्छा महकता है उनका मटेरियल। मैं YKC की, रुकिए आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ कुछ मांझे की, मैं अभी दिखाता हूँ लैपटॉप में, पांडे वगैरह दिखाता हूँ, मैं रखा हूँ लैपटॉप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये YKC 926 है, 6 है वो, 1-2-3 पे है। और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए YKC 3 स्टार है, जिसकी प्राइस मैंने बताया था करीब 1450 रुपये है, पे 1-2-3 पे भी है। ये पांडा है YKC का, 12000 है, 920 पे है ये भी, 920 पे पांडा है 12000 का, ये भी 12000 का पांडा है। ये भी 926 है, ये 9000 पांडा है, इसका प्राइस काफ़ी महंगा है। पर रील इसका प्राइस है 700 रुपये करीब, इसका प्राइस है पर रील, काफ़ी कॉस्टली है। और ये 926 है, 1-2-3 पे है। और ये 920 भी है, ये 920 है, 11 ये भी 1-2-3 पे है, ये भी 11920 है, 1-2-3 पे है। ये सब YKC के मांझे हैं सब, देखिए।
अगर बात करेंगे पांडे मांझी, तो पांडा मांझी का काफ़ी कॉस्टली है। अब मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपको पांडा मांझा लगवाना है, अगर YKC 9 to 6 जैसा पांडा मांझा लगवाना है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप अदनान भाई ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अदनान भाई का जो जो 009 वाला ब्लॉग आता है, उनका बहुत बेहतरीन ब्लॉग है। और आप अदनान भाई से लगवाएंगे, और उनका मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका प्राइस बहुत जेन्यून है, और जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। आप जैसे चाहे वैसे लगवा सकते हो, सबसे बढ़िया बहुत बढ़िया इंसान है अदनान भाई से आप मांझा लगवा सकते हैं। ये हमने जो फ़ोटो लिया था ये ताजिम खान जी के फेसबुक प्रोफाइल से लिया था, जो आपको अपने लैपी में दिखाया है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कहीं घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें, और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वायरस है चाइना द्वारा फैलाया गया है, अभी चाइना क्या है कि वायरस फैला देना है, दूसरे देश की इकोनॉमी को डाउन कर देना है। अभी सभी देश की इकोनॉमी डाउन हो गई, और अभी उसने क्या किया है, चाइनीज सेंट्रल बैंक ने 1.01% का स्टेक खरीद लिया है HDFC बैंक का, और 1.07 करोड़ का शेयर खरीद लिया है HDFC बैंक का इंडिया का। तो FDI ने कहते पॉलिसी चेंज किया है, और जिससे चाइना की कोई भी कंपनी शेयर वगैरह ना खरीद पाए। चाइना के यही काम ही है कि दूसरों देश की जब हालात ख़राब रहे, कंपनियां घाटे में रहे, तो उस कंपनी को खरीद लेना। चोर देश है चाइना, एकदम बिल्कुल चोर देश है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप चाइना के जितने भी एप्लीकेशन बिल्कुल ना यूज़ करें, खास कर टिकटॉक वगैरह हो गए हैं। टिकटॉक अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया, हम भी चाह रहे हैं कि इंडिया में चाइना को इंडिया में भी टिकटॉक बैन हो। मेरा सजेशन ये है कि इंडिया में भी टिकटॉक बैन हो, और आपका सजेशन दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि टिकटॉक इंडिया में से भी बैन होना चाहिए, क्योंकि चाइना का एप्लीकेशन है। आप लोग कोरोना से बचें और सेफ रहें, और शाम को घर में पतंग उड़ाना है, शाम को घर में पतंग उड़ाएं। YKC अच्छा मंजा, बस की प्राइस थोड़ी महंगी है। अगर इसकी यही 9 to 6 अगर प्राइस करीब 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 2600 तक रहती ना, 2700 तक रहती ना, बहुत सही रहता इसकी प्राइस अगर रहती तो। इसकी आप इसके जगह दूसरा चीज़ ले सकते हैं, जैसे जैसे इनकी क्वालिटी जैसे कंपेयर करें तो 9 to 6 की अगर और भी अच्छे कारीगर से जैसे कि इनके तरह क्वालिटी देते हैं, जैसे कि यूनिस इकबाल हो गए, जिनका 9998 वाला वाला आर्टिकल आता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। एक हो गए आपके इद्रीस हो गए, इद्रीस का भी स्टार वन 9 to 6 आता है, और अदनान भाई का भी आता है, अदनान भाई का भी काफ़ी ब्लॉग आता है, जैसे 11 स्टार हो गया, 009 हो गया, और भी दो ब्लॉग आता है। अदनान भाई के भी ब्लॉग का भी हम बनाएंगे आपको वीडियो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं वीडियो बंद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, और अगर कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। जैसे मंझा तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है मंझा। मैं भी हाँ एक बात, मैं भी घाट पे गया था ना, जब होली पे आया, होली से पहले आया था, तो मैं घाट पे गया था, तो मैं हम लोग अपने पेस लगाए थे, तो हम लोग मैच जीते थे, हम लोग 28-17 से हम लोग मैच जीते थे, मैंने YKC यूज़ किया था हम लोग की टीम ने। चलिए ठीक है, मैं वीडियो बंद करता हूँ, बाय। हमने जो वीडियो में प्राइज आपको बताया है वो बरेली का प्राइस है, वो घटता बढ़ता रहता है, मतलब समय के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको भी कंफ्यूजन होगा कि बोलेंगे कि फिर आप हमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ।